फ्रेल इसके अंदर जैसे कि आप सभी जानते हो पेस्टिंग ही होती है, हर किसी को पता है, पर पेस्टिंग पे ये उखड़ती तो नहीं है। ये देखो भाई, ये रूफ रेल से पूरी गाड़ी हिला के दिखाते हैं। इसमें थोड़ा लो बीम पे चला लोगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी भाई अगर सेल्टोस की लाइट के रिस्पांस की बात कर जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, एक नंबर का काम हो गया लाइट के अंदर। टच का रिस्पांस बहुत अमेजिंग है इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्मूथ टच चल रही है, जैसे मोबाइल की चलती है। कुछ ऐसी गियर नॉब आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब आप पुरानी वाली देख लो और न्यू वाली देख लो, खुद कंपेयर कर लो। कौन देख रहे हो भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इसका IPS का जो थ्रो रहता है ना, काफ़ी बढ़िया रहता है। इसके अंदर अगर मैं देखो लॉक करूँगा तो आप लोगों को लॉक करने पे ये देख रहे हो उसके ORVMs बंद हो गए, कोई गेट खुल रहा होगा, इसलिए इतना साउंड नहीं करी है, वरना साउंड करती गाड़ी एलॉय व्हील के ऊपर। तो भाई इस गाड़ी के अंदर 8-17 inches के एलॉय व्हील इंस्टॉल करें, गुडियर का टायर भी डला है, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, तो पूरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड होगा सीक्वेंशियल इंडिकेटर। सो गाइस वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज सामने खड़ी हुई है किया सेल्टोस HTE डीजल मैनुअल वाली, जो कि इन्होंने अपनी IMT बेस वेरिएंट में से बंद कर दिया है। अब आपको ये सिर्फ मैनुअल में देखने के लिए मिलती है जब से क्रेटा लॉन्च हुई है। तो आज ये बेस वेरिएंट आई है, ऑलमोस्ट इस गाड़ी के अंदर बेस टू टॉप वाला सारा काम हुआ है, अलॉय व्हील, लाइट, रियर टेल लैंप, व्हील लैंप सब कुछ हुआ है अंदर, बढ़िया सिस्टम भी सब कुछ लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर चेकआउट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी का टेल लैंप दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भाई किया ने क्या करा है, अब जो आप लोगों की न्यू वाली सेल्टोस है ना, उसके अंदर आप लोगों के कनेक्टेड टेल लैंप तो किया ने दे दिया है, बट इसमें क्या गेम है आपका, ये इतना एक ये पार्ट पूरा आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके अंदर ही सीक्वेंशियल इंडिकेटर इतना हाफ मिलता है आपको, ठीक है। उसी के अलावा ये जो लाइट देख रहे हो, ये वाली यूनिट भी चेंज करवानी पड़ती है, पूरी यूनिट की कॉस्ट आती है लगभग 28,000-30,000 रुपये, 25,000-30,000 के बीच में आती है। एक्यूरेट प्राइस के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना सुभाष भाई के पास, सुभाष कार स्टूडियो पर, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब जैसे आप पार्किंग ऑन करोगे ना, आप ये लाइट तो जलेगी, पर यार यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, अब ये पूरा पार्ट चेंज होना तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है भाई, अगर आप कभी काम करवाते हो तो अनलॉक करने पे ना, ये वाला तो इंडिकेटर आपका ब्लिंक कर रहा है, पर ये आपका साएं साएं चलेगा, या फिर कह सकते हो सीक्वेंशियल इंडिकेटर चलने वाला है, जो एक बढ़िया चीज़ है। अगर पूरी लाइट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी तो पूरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड होगा सीक्वेंशियल इंडिकेटर। और काफ़ी लोग क्या होता है, वो लोग ना इसको सिर्फ ब्लिंक पे छोड़ देते हैं, अगर कहीं भी काम करवाओ या फिर अगर यहीं आ रहे हो तो यहाँ तो आपको देखो ऐसा सीक्वेंशियल देखने के लिए मिलेगा, बट अगर कहीं और काम करा रहे हो तो भाई इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा बोल देना कि भाई क्या नाम है इसको, सीक्वेंशियल बना दो। तो सबसे पहले इसका जो टेल लैंप है कि वही चेंज करी गई है, ओरिजिनल किया गया है, कोई आफ्टर मार्केट वाला चक्कर नहीं है। देखने में बढ़िया लग रही है, मुझे पर्सनली बहुत सही नज़र आती है, बट वो साइड से नहीं चल रही ना तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो वो पार्ट भी अगर चेंज होता तो मज़ा आ जाता। बाकी उसके अलावा ऊपर की साइड देखोगे आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर स्पॉइलर देखने के लिए मिलने वाला है, मस्त नज़र आ रहा है। उसी के साथ यहाँ पे अगर ऊपर की साइड देखोगे तो इसके अंदर शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। एंड इस गाड़ी के अंदर आप लोग अगर रूफ रेल्स देखोगे ना, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर रूफ रेल्स इंस्टॉल करी गई हैं, अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, तो आप लोग चाहो तो पियानो ब्लैक लगवा लो, अगर आप लोगों को पसंद है भाई गैलियो की जो सिल्वर सी रहती है वो लगवानी तो वो भी लगवा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो अब ये पियानो ब्लैक में हो गया, स्पॉइलर पियानो ब्लैक में हो गया, और जो आप लोग ये देख रहे हो ऊपर शार्क फिन एंटीना, तो ये आप लोगों को तो कंपनी से मिल जाता है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा मैच हो रहा है। बाकी अगर इधर की तरफ से पूरी साइड प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो आपको साइड प्रोफाइल में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो बढ़िया नज़र आ रही हैं, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों की जो नज़र जाएगी वो जाएगी भाई इन पे एलॉय व्हील के ऊपर। तो भाई इस गाड़ी के अंदर 8-17 inches के एलॉय व्हील इंस्टॉल करें, गुडियर का टायर भी डला है, मुझे पर्सनली ये वाले जो डायमंड कट आप लोग कह सकते हो, डुअल टोन जो एलॉय व्हील रहते हैं, पियानो ब्लैक और थोड़ा सा ये आप लोग कह सकते हो शाइन मटेरियल जो रहते हैं, देखने में मस्त नज़र आते हैं, बहुत बड़े लगते हैं, मेरे थोड़े पर्सनल फेवरेट्स हैं ये वाले। और उसी के अलावा किया का लोगो सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगा, R17 की इसकी जो प्रोफाइल आप लोगों को देखो यहाँ लिखी हुई देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल भाई एक बार आप एलॉय व्हील चेक करो पूरी कंप्लीट, अगर आप लोग गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखोगे तो देखो गाड़ी आपको ऐसी देखने के लिए मिलने वाली है, बढ़िया नज़र आ रही है साइड प्रोफाइल से। उसके अलावा इसके साइड के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करी है मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, इनको ऐसे पकड़ोगे तो भाई इनसे हाथ नहीं कटता है, और आगे की तरफ भी। उसी के साथ यहाँ पे लोअर विंडो गार्निश देखने के लिए मिलने वाली है, देखो यहाँ से शुरू होगी और ये कम्प्लीट आपकी देखो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगी, 1, 2, 3 ये तीन पीस में आती है पूरी क्रोम में, और ऊपर की तरफ आप लोगों को बरसाती देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब रेन वाइजर्स, यही तीन चीज़ें उधर हैं, यही तीन इधर हैं, यही तीन उधर हैं, तो 6 पीस वाली इसके अंदर कंप्लीट आपको ये देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ इस गाड़ी के अंदर अगर मैं देखो लॉक करूँगा तो आप लोगों को लॉक करने पे ये देख रहे हो उसके ORVMs बंद हो गए, कोई गेट खुल रहा होगा इसलिए इतना साउंड नहीं करी है, वरना साउंड करती गाड़ी। अनलॉक करूँगा तो इसके जो ORVM है आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। ओरिजिनल किया का इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग वाला ORVM इंस्टॉल करा है, इसकी लगभग ऑलमोस्ट कॉस्ट आती है 15,000-20,000 के बीच में कॉस्ट करता है। एक्यूरेट प्राइस के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, रफ आइडिया मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। आगे वाला अलॉय व्हील कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रंट से अगर आप लोग देखोगे ना, जिन्हें भाई रियल लाइफ में अपनी गाड़ी के अंदर ना प्रैक्टिकलिटी चाहिए, मतलब जिनको जेन्युइन अपनी गाड़ी के अंदर ना लाइट चाहिए, थ्रो चाहिए, वो भाई ये वाला प्रोजेक्टर लगवा लो, IPS डल जाता है इसके अंदर, अपनी पसंद की LED लगवा लो, शायद से इसके अंदर 100-200 वॉट की अपनी जो मिशीगन डालते हैं वो वाली इसके अंदर, सॉरी मिशीगन की नहीं, ऑटो लीड की इसके अंदर अपनी LED डाल रखी है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। नीचे 180 वॉट डलवा लो, ऊपर अगर 220 डलवा लो तो बढ़िया थ्रो बन जाएगा। ये आप देख रहे हो रिस्पॉन्स, देख रहे हो भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ,
इसका IPH का जो थ्रो रहता है ना काफी बढ़िया रहता है। अपनी सेल टॉस में भी डलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी आप अभी भी देख सकते हो। और जब अपनी गाड़ी में डल जाएगा तो मैं आपको हाई ड्राइव मैं चलाते दिखाऊंगा। ऊपर की लाइट्स अभी आप लोग देख लो बंद है, बाकी और अच्छे से ये चीज़ मैं आपको ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। और फ्रंट के अंदर अगर चाहो तो भाई जो ग्रिल है इसको पियानो ब्लैक करवा सकते हो, और जो ये लाइट्स हैं ये मैं आपको भी ऑन करके दिखाता हूँ। पार्किंग जो है ये वाइट कर दी है, बढ़िया नज़र आ रही है। और उसी के साथ साथ ये देखो भाई, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर पार्शियल ट्रे चेकआउट करो भाई। पार्शियल ट्रे इंस्टॉल करी है इस तरीके से, इसको जो लगाने वाले रहते हैं अपना फीता कह लो या हुक कह लो वो यहाँ पे लग जाते हैं, उसको वो आपको कंपनी से मिल जाएंगे। और पीछे की तरफ ही इसकी एक अटैचमेंट लगती है जिसके ऊपर आपकी पार्शियल ट्रे बैठती है, ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। नीचे की साइड देखोगे जो स्टॉक मिरर्स हैं वो निकले हुए पड़े हैं, ये व्हील कैप्स पड़े हैं। और उसके अलावा अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को GF कंपनी का सेल्टॉस लिखा हुआ बूट मैट भी मिल जाएगा। इसको साफ़ करना काफ़ी आसान रहता है, ये कारपेट आसानी से साफ़ नहीं होता, तो बूट मैट एक अच्छी चीज़ है, डलवा लेना अपनी गाड़ी में। इसको मैं करता हूँ बंद, अब मैं आपको एक बार पीछे की सीट दिखा देता हूँ। तो पीछे की सीट खोलोगे तो भाई आप लोगों को देखो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये भाई अल्ट्रा ऑडियो की इसके अंदर स्क्रीन लगी है, बहुत बढ़िया स्क्रीन है, मैं दिखाऊंगा। स्पीकर के डब्बे छोड़ो, और ये भाई देखो ये स्टॉक लाइट है कि जो कंपनी से आती है, मतलब ये जलती नहीं है, इसके अंदर ये सब बंद रहते हैं। ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑन करके दिखा दी हैं। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई देखो अगर आप लोग इंटीरियर में आओगे तो सबसे पहले आप लोगों को सेल्टॉस के अंदर क्या चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो भाई कंप्लीटली रैप है इसके अंदर, आप देख रहे हो ये बढ़िया वाली जिगजैग वाली जो अपनी सिलाई रहती है प्रॉपर वो कर रखी है। उसी के साथ जो स्टीयरिंग व्हील आपको कंप्लीट रैप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ओरिजिनल किया गया, तो भाई देखो अगर आप लोग ये देखोगे तो अपनी जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है ये ओरिजिनल किया गया है। सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, राइट हैंड साइड पे देखोगे क्रूज कंट्रोल भी लगा दिया, ये क्रूज का बटन है, यहाँ से रीसेट वगैरह कर सकते हो, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइट्स मैंने ऑफ इसलिए कर रखे क्योंकि अगर आप देखो अपना पार्किंग ऑन करोगे तो पार्किंग ऑन करते हैं आप लोगों को सारे इनके अंदर बटन्स में लाइट जलती हुई देखने के लिए मिलेगी, इधर की साइड भी मिल जाएगी। हालांकि इसके मीटर में एक सेटिंग आती है, अगर आप लोग वहां से चाहो तो वहां से भी अपनी लाइट जो उसको बंद कर सकते हो, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया है। और यह और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो भाई आप लोगों को एक इंटीग्रेट हुई हुई स्क्रीन देख रहे हो भाई, पूरी टॉप वेरियंट वाली लुक आती है, बहुत सही लगती है। तो फ्लिप की करता हूँ इसकी मैं ऑन, तो ऑन करने के बाद मीटर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। बाहर के जो आप ये ORVMs देख रहे हो ये इसके अंदर भाई ऑटो फोल्डेबल है, यहाँ से आप लोग जो ये चीज़ देख रहे हो ना ये मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। आप लोग जो ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हो ना ये पूरी चीज़ ये भाई हैंड वर्क है, मतलब हाथ से इसके एक मैकेनिज्म है उससे काट के प्रॉपर बना देते हैं। आपको 4-5 हज़ार रुपये का ये पूरा जो गत्ता है ये चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको यही देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई देखो आपको अलग से गत्ता गुत्ता चेंज कराने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप लोगों को देखो ये बटन देखने के लिए मिल जाएगा, लेफ्ट राइट करके अपना इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने राइट कर दिया तो राइट वाला जो मिरर है अब वो चेक करो एक बारी, ये देख रहे हो नीचे आ रहा है, ऊपर अंदर बाहर, तो राइट साइड का जो ORVM है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसे लेफ्ट पे कर देता हूँ तो आप लोग एक बार लेफ्ट वाला भी चेकआउट करो, मैंने आपके लिए जूम कर दिया। जूम करने के बाद अगर आप लोग इसे एडजस्ट करोगे तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो आपका जो लेफ्ट वाला जो ORVM है और जो राइट वाला ORVM है यहाँ से एडजस्ट होगा। इस बटन को क्लिक करने से आपका ये हो गया बंद, ये दबान से खुल गया भाई, बहुत फास्ट मूवमेंट है। उधर वाला भी चेक करो एक बार, ये देखो ये खुल गया, ये आपका बंद हो गया। तो ये चीज़ रहेगी आपकी इनके साथ में प्रॉपर, आपके जो ORVM है वो आप लोग यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और लॉक अनलॉक पे भी ये वर्क करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है। नेक्स्ट चीज़ भाई जो इस गाड़ी के अंदर मतलब चेंज करी गई है वो भाई ये गियर नॉब, ये इसके ऊपर पन्नी लग रही है। बेसिकली ये जो गियर नॉब है आप लोगों को जो कंपनी से आती है वो आती है भाई कुछ ऐसी बेस वेरियंट में, भाई इतनी ख़राब सी गियर नॉब लगा के देते हैं, ये पीछे इस पर ग्रीस व्रीस लगा रहता है। ये देखो भाई कुछ ऐसी गियर नॉब आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब आप पुरानी वाली देख लो और न्यू वाली देख लो, खुद कंपेयर कर लो। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, किया कि शायद से 4-4.5 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है। बाकी एक्यूरेट प्राइस के लिए स्क्रीन पर नंबर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। बट अगर रियलिटी में बात करूँ तो भाई जो लेदर रैप रहती है वाली गियर नॉब में फील भी आती है, और इसको पकड़ने में टच एंड फील भी अच्छी, और ओवरऑल काम भी अपना बढ़िया से करती है, बखूबी करती है। अब मैं एक बार आप लोगों को भाई रिवर्स गियर लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लच दबाई क्योंकि इसके अंदर तो क्लच है, अपनी वाली IMT है, क्लच काफ़ी सॉफ्ट है पर दबाने में क्लच आफत तो आती है। ये मैंने दबा के क्लच ये लगाया मैंने रिवर्स गियर, कुछ भाई ऐसा रिवर्स गियर है। अभी पीछे का जो टेल गेट है भाई वो ओपन हो रखा है, ये देख रहे हो, इसलिए आसमान दिखा रहा है। बाकी क्वालिटी ठीक है, मैं आपको अभी ना ये टेल गेट बंद होने के बाद और अच्छे चेकआउट करवा दूंगा। तो ये गियर नॉब चेंज हुई है इसके अंदर, अब मैं आपको रिवर्स गियर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने डाला रिवर्स गियर, क्वालिटी चेक करो भाई एक बारी, रात के टाइम पे पूरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करी जाए बढ़िया है।
पीछे गाड़ियां इसलिए भाई रिवर्स पार्किंग सेंसर टू टू कर रहे हैं। और एक चीज और है भाई इसके अंदर, जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो जो डायनेमिक गाइडलाइंस है ना ये भी रोटेट करते हो, रेड लाइन तक आप अपना गाड़ी को पीछे भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं अब इस बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसका साइज जो है मुझे लगता है 10.25 इंचेस की है और इस तरीके से चलेगी, बड़ी स्मूथ चल रही है यार स्क्रीन। ऐप्स खोलते हैं इसके अंदर, सारी ऐप कहाँ से खुलेंगी, ये आ गई नेविगेशन, तो यहाँ से आप लोग अपना नेविगेशन वगैरह सेटअप बाद में करूँगा भैया, सेटअप ना करना हमें, ये मैं आ गया ऐप्स पे, यहाँ से आप इसके अंदर सारी ऐप चला सकते हो। तो टच का रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्मूथ टच चल रही है, जैसे मोबाइल की चलती है। यहाँ से आप चाहे तो अपना वाईफाई चला सकते हो इसके अंदर, अपना वो भी चलता है, क्या नाम है, DSP भी मिल जाएगा आप लोगों को, और इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सभी कुछ होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। ये रहा, तो देखो भाई इसकी जो बाहर का इंटरफेस था वो मैंने आपको दिखा दिया था, ये ऐसा इंटरफेस है, टैप करने पर टू टू आवाज़ भी करता है रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। यहाँ से आप इसे म्यूट व्यूट भी कर सकते हो। ऐप खोलने के बाद कार लिंक में आओगे तो ये अपना खुल जाएगा, मोबाइल का ब्लूटूथ ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसके अंदर चला लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग के अंदर आने के बाद अगर कुछ गलती वलती है, कुछ छेड़छेड़ा जाए तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से आके देख सकते हो, सारी सारी चीज़ें यहीं से एडजस्ट हो जाएंगी, इसको अननेसेसरी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा होने वाली है, वॉइस कमांड वमांड सब कुछ आप लोग यहाँ से दे सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। और उसके अलावा अगर टच के रिस्पॉन्स की बात करी जाए, विजिबिलिटी की बात करी जाए, और ब्राइटनेस रात के अकॉर्डिंग कैसी है, तो रात में पूरी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्राइटनेस भी पूरी अपने अकॉर्डिंग जैसी एडजस्ट करनी है वैसी एडजस्ट कर सकते हो, तो उसकी भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो लाइट्स वाइट्स हैं वो भी चेकआउट करवा देता हूँ, लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है कैसा नहीं है। और बाकी तो ये जो टच का डिस्प्ले है या ओवरऑल जो उसका रिस्पॉन्स है ये तो मेरे को बढ़िया लग रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं चलो एक बार आप लोगों को इसकी जो लाइट्स हैं वो चेकआउट करवा देता हूँ। चलो भाई मैं एक बार आप लोगों को लाइट दिखा देता हूँ। अब भाई देखो मैंने अभी अभी ना वीडियो बनाने से पहले 2 मिनट पहले लाइट देखी थी, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, भाई लाइट देख के आप लोग बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया, मतलब बहुत तगड़ी लाइट है यार। देखो पार्किंग ऑन करी, ये अब मेरे फॉग लैंप ऑन हो चुके हैं, फॉग लैंप का रिस्पॉन्स चेकआउट करो, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको बढ़िया वाला, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ऑन, ऑन करने पर भाई ये हो गई आपकी लो बीम ऑन है, ये मैं करता हूँ लो बीम के साथ हाई बीम ऑन। भाई ये जो कैमरा एक्सपोजर खो रहा है ना सामने का, लिटरली भाई आपको इतनी सही लाइट हो जाएंगी और पासिंग वासिंग में भी मज़ा आने वाला है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और चेक कर लो, देखो सामने की साइड में थोड़ा जूम करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कितने लोगों ने नोटिस करा सामने जो एक्सेसरीज लिखा हुआ है वो देखो, पहले आपको अब देखो नहीं दिख रहा होगा, अब देखो एक्सेसरीज लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हेडलैम्प लेवलर भी वर्क कर रहा है मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, भाई लाइट ने तो कसम से मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बेहतरीन मज़ा बांध दिया ना, बहुत तगड़ा लाइट का रिस्पॉन्स हो गया है। तो लाइट के मामले में तो भाई इंप्रेस्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और ये लो बीम हाई बीम, और अगर खाली पार्किंग पे अपना जो फॉग लैंप इन्हें भी ऑन करके चला लोगे ना, देखने लायक विजिबिलिटी ये भी कर देंगे, पर भाई हाईवे के मतलब से तो मस्त इसे हाई बीम पे करके चलाओ, सिटी में थोड़ा लो बीम पे चला लोगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी भाई अगर सेल्टोस की लाइट के रिस्पॉन्स की बात कर जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई एक नंबर का काम हो गया लाइट के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर भाई आपकी जो प्रॉपर मेन ये चीज़ रहती है, सीट कवर वगैरह वो तो इंस्टॉल नहीं हुआ है, और सीट कवर को छोड़ के इस गाड़ी के अंदर बेस टू टॉप वाला सारा ही काम हो गया। अब चाहे वो फ्रंट की लाइट्स हो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो, स्क्रीन हो, म्यूजिक सिस्टम हो, म्यूजिक में बहुत हाईफाई नहीं है, नॉर्मल मोराल के कंपोनेंट डाले हुए हैं इसके अंदर, एंड उसी के साथ साथ गियर नॉब भी चेंज हो गया, पीछे की लाइट भी चेंज हो गई है। अब तो ऐसा कुछ खास काम रहा नहीं, और जो है आपके ORVM से ये भी अपने इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल लग गए हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर और क्रोम व्रोम भी लग गया, और पासिंग वासिंग मारोगे तो भाई तगड़ी लाइट हो गई है। एक बार मैं लाइट आपको ना बाहर उतर के सामने से भी चेकआउट करवाता हूँ कितनी सही हो गई है इसकी, है ना। देखो भाई एक बार फ्रंट चेकआउट करो, भाई आप लोगों को गाड़ी का फ्रंट दिखाता हूँ, लाइट वाइट कहती है। ये नीचे से फॉग लैंप ऑन होगा, इसके अंदर जो IPH डाला है, IPH ने IPH प्रोजेक्टर और 180 वोट की ऑटो लीड की LED और ऊपर 220 वोट की रहने वाली है। भाई रिस्पॉन्स देखो एक बार बाहर से, भाई बहुत दमदार है, जरा एक बार पासिंग मारना जरा अमन भाई, आप लोग पासिंग भी चेकआउट करो एक बार, और तेरी अब सामने देखो, अरे भाई साहब मजा आ गया। अब एक बार रूफ रेल जो दिखा रहे थे वो तो दिखा दो, चलो उस साइड दिखाएंगे आओ। भाई देखो रूफ रेल इसके अंदर जैसे कि आप सभी जानते हो पेस्टिंग ही होती है, हर किसी को पता है, पर पेस्टिंग पे ये उखड़ती तो नहीं है। ये देखो भाई ये रूफ रेल से पूरी गाड़ी हिला के दिखाते हैं, पक्का नहीं उखड़े गए, बस भाई बस कभी उखड़ जाए कहीं नहीं जाएगा भाई, चिपकाई है क्या करे, ड्रिल करी है, नहीं नहीं खाली चिपकाई है, चिपकाई है कहीं नहीं जाती ना, ठीक है ओके रिपोर्ट है। बाकी यार लाइट ने मजा बांध दिया, जो बात है लाइट एक नंबर की हो गई है। बाकी तो देख लो मैंने आप लोगों को पूरी गाड़ी दिखा दी है, मेन भाई ये पीछे की लाइट वाइट भी बढ़िया लग रही है, पूरी ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट बन गई है, बस वो साइड का पैनल और लग जाता ना तो पूरी कंप्लीट नजर आती, वो वाला पोर्शन और डल जाता तो उसके अंदर। बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर होती रहेंगी। बाकी आप लोगों को काम कराने के लिए कहाँ विजिट करना है, सुभाष कार स्टूडियो, डेफिनेटली आओ, बेस्ट प्राइस पर काम करा के लेके जाओ, मजा आ जाएगा आपको बढ़िया फिटिंग वाला। और लाइट्स के लिए तो फिर से एक बार अप्रिशिएट करूंगा मैं गाड़ी को, ठीक है। फिर इस वीडियो में रखते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।